आदाब पस मंजर न्यूज में आपका खैर मकदम है और आपको हम खबर दिखा रहे हैं बेताड़ ब्रिज से। बेताड़ ब्रिज पे अक्सर लंबा जाम लग जाता है जो कभी आधा घंटा और कभी कभी एक घंटा भी ले सकता है और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। आपको ये जो हम दिखा रहे हैं ये एक दिन सुबह के टाइम जाम जो है वो लगा और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ पेश आई। तकरीबन एक घंटे तक ये जाम लगा, उसके बाद पुलिस ने आके इस जाम को जो था खिलवाया। लेकिन बात यह है कि अगर इसको भर वक्त देखते हुए अगर इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम बेहतर किए जाएं और यहाँ पे जिन भी लोगों की ड्यूटीज़ हों उन्हें प्रॉपर वे से जो है पंचुअलिटी से ड्यूटी की जाए, तभी ये जो है इस ब्रिज पे ये लंबा जाम नहीं लगता। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब भी यहाँ पे ख़ास करके स्कूलों की जो बसेस हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब भी यहाँ पे धूप में या बारिश में जाम लग जाता है और ये जाम बहुत लंबा लगता है क्योंकि इस एरिया में ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। लिहाजा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये पस मंजर न्यूज़ की एक सजेशन है कि इसे जो है बहुत पंचुअलिटी के साथ यहाँ पे इसे बेहतर तरीके से यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई जाएँ ताकि ये जो ब्रिज पे जाम है ये कम से कम लगे और लोगों को परेशानियाँ पेश ना आए। ख़ास करके सुबह के टाइम जब जाम लगता है तो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जो इस एरिया से बाहर जाते हैं या इस एरिया में आते हैं उनकी जो है लेट हाजिरी होती है जिससे उन्हें प्रॉब्लम पेश आती है और ख़ासकर स्कूली बच्चे भी इसमें काफ़ी सफ़र करते हैं। लिहाजा अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसे और बेहतर कर ले कि यहाँ पर जो ड्यूटी है पंचुअलिटी के साथ की जाए और किसी भी लेवल पर ताकि लोगों को परेशानी पेश ना आए। वजह क्या हुई जाम की, रीजन क्या हुआ? जाम लगाया जी, उधर से भी गाड़ी आई इधर से भी गाड़ी आई, सेंटर में रुक रहा बस। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे पुलिस के जवान भी लगे होते हैं कि भाई इसको रोड क्लियर करो, लेकिन वो नहीं थे क्या? नहीं, सुबह नहीं थे। अच्छा, इसलिए तो जाम लगा। मतलब कितना टाइम हो गया लगभग इसे? आधा घंटा हो गया तकरीबन। हाँ जी।